दोनों मंडला में रहते थे और वहीं पर कुछ विवाद हुआ था और उसके चलते जब लड़की यहाँ पर शाहनगर एरिया पन्ना में शिफ्ट हो गई थी और टीचर का काम कर रही थी तो उसके पीछे पीछे लड़का आया और जो भी घटना है उसको अंजाम दिया गया। शादी से मना करवे पे प्रेमी ने कर दी थी एक शिक्षिका की हत्या और इसके बाद पन्ना पुलिस ने अंधे हत्याकांड को खुलासा करे। पन्ना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। कछु दिना पहले जंगल में एक शिक्षिका की लाश मिली थी जी की पहचान अंजनिया थाना बिछिया जिला मंडला निवासी खुशबू झारिया के रूप में भई थी। जे शासकीय प्राथमिक शाला शाहपुर कला मड़ैयन में पदस्थ थी। सवेरे स्कूल जावे की कह के गई लेकिन नहीं लौटी सो तलाश भई। फिर इनकी लाश रितुआ के जंगल में पन्ना कटनी रोड पर निर्माणाधीन टोल प्लाजा के आगे जंगल में मिली थी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू करी। गुमशुदा के शरीर पर धारदार हथियार से चोट के निशान पाए गए और हत्या को मामला पंजीबद्ध करेगा। पुलिस को जांच में पता चले कि मृतक युवती को उनके गांव के लड़का आनंद गौतम से प्रेम संबंध तो लेकिन इनके परिजनों को जो रिश्ता मंजूर नहीं हतो। यही बीच युवती को चयन संविदा वर्ग शिक्षक 3 में होगा उतई आनंद गौतम को होगा चर्म रोग सो युवती ने उसे दूरी बना ली। इसके बाद आरोपी आनंद गौतम ने खुशबू झारिया की हत्या की साजिश रची। आरोपी आनंद गौतम ने युवती को आखिरी बेर मिलवे के लाने कही जी पे भी मान गई। आरोपी आनंद गौतम मोटरसाइकिल से अंजनिया से सायनगर आओ और युवती को तिंदुनी मोड़ पे स्कूल जाते समय मिले और ऊखो लेके जंगल में ले गओ। इते संगे भाग के शादी करवे की कही जी पे युवती ने मना कर दई। आरोपी आनंद गौतम गुस्से में आ गओ और युवती को चाकू और पत्थर मार के उसकी हत्या कर दई। मौके से फरार हो गओ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लो है। सबसे पहले तो हमारे पास एक मिसिंग पर्सन का केस आया था जिसमें जो महिला है उसके पिताजी ने हमारे पास मिसिंग पर्सन दर्ज कराया था जिसमें उसने बताया था कि जो बच्ची है वो स्कूल गई थी। स्कूल में टीचर है प्राइमरी स्कूल में। वह सुबह गई थी और उसके बाद से आई नहीं है, लापता है। तो इस मामले का संज्ञान लिया गया और शुरुआत से ही लड़की का जो गुम होना इस तरीके से संदिग्ध प्रतीत हो रहा था तो थाना प्रभारी के स्तर पे इसको सीरियसली लिया जाकर जांच शुरू कर दी। इसमें हमारी साइबर की टीम भी इन्वॉल्व थी। 2 दिन बाद लगभग से 16 तारीख को ये पता चला कि एक लड़की की लाश मिली है। तस्दीक करने में पता चला कि वो यही लड़की है। तो ऑलरेडी इसमें कुछ कुछ इन्वेस्टिगेशन हो चुका था और हमको संदिग्ध भी आइडेंटिफाइड था। तो इसमें और FIR दर्ज किया गया 302 का और आगे विवेचना की गई और संदिग्ध को जो है वो मंडला से लाकर यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। और इसमें काफ़ी तत्परता दिखाते हुए और अपने समझ और सूझबूझ का काम लेते हुए थाना प्रभारी ने काफ़ी अच्छा काम किया जी। इसमें प्रेम प्रसंग का ही मामला है। इसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि पहले जब दोनों मंडला में रहते थे और वहीं पर कुछ विवाद हुआ था और उसके चलते जब लड़की यहाँ पर शाहनगर एरिया पन्ना में शिफ्ट हो गई थी और टीचर का काम कर रही थी तो उसके पीछे पीछे लड़का आया और जो भी घटना है उसको अंजाम दिया गया। पुलिस इतनी बड़ी उपलब्धि मान रही है और क्या इनाम भी हुआ? ये अच्छी उपलब्धि है क्योंकि पुलिस को पहले ही इसके बारे में अंदाज़ा हो गया था कि ये सीरियस केस है और इसको सीरियसली लेने के कारण ही आरोपी तक हम लोग पहुँच पाए हैं। इसमें जो भी टीम है जिसने काम किया है उसको 20,000 का जो इनाम है वो दिया जाएगा। कोई आरोपी भी है इसमें? इसमें आरोपी फिलहाल एक ही है। सर इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेम कहानी को रिश्तों आगे नहीं बढ़ पा और इसके बाद क्या बड़ी घटना सामने आई और अब पन्ना पुलिस ने अंधे हत्याकांड को कर दो है खुलासा। पन्ना से हमें साहू बुंदेली बोछार के लाने। सुनिए त्योहार आने वाले हैं, हम कब तक इन्हें किराए के घर में ही मनाएंगे? हम अपना घर कब लेंगे? ले ही लिया समझो। कल मैं बुंदेलखंड गोल्डन सिटी गया, वहाँ के ड्यूप्लेक्स बहुत खूबसूरत हैं। होशंगाबाद रोड जाट खेड़ी की प्रीमियम लोकेशन, वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग डिजाइन, लश ग्रीन गार्डन और रेट्स हमारे बजट में। बुंदेलखंड गोल्डन सिटी, विजिट टुडे।